पाकिस्तान इन दिनों कई मुश्किलों से गुजर रहा है। ये साल पाकिस्तान के लिए बेहद खराब रहा है। जहां पहले राजनीतिक संकट, फिर आर्थिक संकट और अब बाढ़ का संकट, तो वहीं भारत पाकिस्तान मैच में भारत की जीत ने भी पाकिस्तान प्रेमियों को गहरी चोट दी है। गौरतलब है कि बीते कुछ दिनों से पाकिस्तान में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। भारी बारिश के चलते इस पड़ोसी मुल्क में 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 3 करोड़ से ज्यादा लोग प्राकृतिक आपदा से प्रभावित हुए हैं। हालातों की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले दिनों पाकिस्तान सरकार को राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करनी पड़ी। बाढ़ में सिर्फ जान का ही नहीं बल्कि आर्थिक नुकसान भी बड़े स्तर पर हो रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस चालू वित्त वर्ष में पाकिस्तान को बाढ़ से करीब $4 अरब से अधिक का नुकसान देखना पड़ा है। दरअसल बाढ़ के कारण अधिकतर फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। अब पाकिस्तान को $2.6 अरब मूल्य का कपास और $90 करोड़ मूल्य का गेहूं आयात करना पड़ सकता है। यही नहीं, फसल को पहुंचे नुकसान की वजह से पाक को $1 अरब मूल्य का वस्त्र निर्यात भी गंवाना पड़ सकता है। पहले से आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान में इस आपदा के बाद और हालात बुरे हो सकते हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि पड़ोसी देश में टमाटर 500 रुपए किलो और प्याज 400 रुपए किलो बिक रहा है, जिससे आम नागरिकों का जीना मुहाल हो गया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि पाकिस्तान के करीब 110 जिले इस आपदा की चपेट में हैं। इनमें से 72 जिलों को आपदा प्रभावित घोषित किया जा चुका है। सबसे गंभीर हालात सिंध, कराची, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान प्रांत में बने हुए हैं। यहीं पर सबसे ज्यादा तबाही देखी जा रही है। बात अगर सिंध की करें तो यहां 23 जिले बाढ़ की चपेट में आए हुए हैं। इससे करीब 4.45 करोड़ आबादी प्रभावित है। वहीं बलूचिस्तान के 34 जिलों में 91 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 33 जिलों में बाढ़ ने तबाही मचाई है और यहाँ की करीब 43 लाख से ज्यादा की आबादी प्रभावित हुई है। वहीं पाकिस्तान में इस तबाही का कारण जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज को माना जा रहा है। धरती पर बढ़ते तापमान की वजह से एक तरफ जहां यूरोप पिछले 500 वर्षों में सबसे अधिक गर्मी और सूखे का सामना कर रहा है, तो वहीं चीन भी हीट वेव से परेशान है। वहां भी कई नदियां सूख चुकी हैं। दूसरी ओर पाकिस्तान पर क्लाइमेट चेंज का दूसरा असर दिख रहा है। यहां सूखे की जगह बारिश ने तबाही मचा रखी है। बताया जा रहा है कि हीट वेव, जंगल में लगातार लगती आग और ग्लेशियर के पिघलने की वजह से इस बार मानसून पाकिस्तान में तबाही मचा रहा है। पाकिस्तान मौसम विभाग का अनुमान है कि सितंबर तक और बारिश हो सकती है, जिसके साथ ही पाकिस्तान में स्थिति और भी बुरे होने की आशंका है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।